हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आई है जन स्वास्थ्य सहायता अभियान की तरफ से। पंचायत एग्जीक्यूटिव यानी पंचायत कार्यपालक की नई वैकेंसी आई है बम्पर नंबर के सीट के लिए। बम्पर नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1,12,000 के लिए ये आपका वैकेंसी रहने वाला है, जिसके लिए ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अप्लाई भी हो रहा है। तो इन सब से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। फिलहाल हम समझते हैं कि ये 1,12,000 पदों के लिए वैकेंसी आई है, उसका क्या डिटेल्स रहने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान यानी हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी ये वैकेंसी आई है। अब इसके लिए जो अप्लाई करने का डेट है ना, ऑलरेडी स्टार्टेड है, ऑनलाइन हो रहा है। 6 अप्रैल से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लास्ट डेट आपका 4 जून रहेगा। 4th of June लास्ट डेट रहेगा, तो आपको 4 जून तक इंतजार नहीं करना है। आपको पता है कि सर्वर का बहुत सारा इशू होता है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म की फीस सभी कैंडिडेट के लिए मात्र ₹260 रखी गई है। एज लिमिट जो आपका काउंट होगा ना, एज ऑन 30 अगस्त 2024, 30 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष है, मींस कि 18 to 40 इयर्स के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन में सिंपली 10th पास अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है वो सब कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। सेलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, देखा जाए तो आपका चयन आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर होगा, लेकिन जो 10th के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा ना, उनका इंटरव्यू शेड्यूल करा जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड किया जाएगा। चलिए आगे अब इसके बारे में और भी डिटेल समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो पहला मेरिट लिस्ट रिलीज होगा ना 7 जून को, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 जून लास्ट डेट है, उसके 3 दिन के बाद 7 जून को आपका पहला मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। दूसरा मेरिट लिस्ट आपका 10 जून को जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम होगा उनको कॉल लेटर जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, किस किस स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं बता देती हूँ। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा और उत्तराखंड। देखिए इतने सारे स्टेट में जॉब की लोकेशन है, ये सारा कुछ ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, तो आप भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना कि क्या आपके स्टेट के लिए वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी ना फ्रेंड्स, ये भी साफ साफ मेंशन किया गया कि 12,500 से शुरुआत होगा, बाद में सैलरी बढ़ा के 16,500 कर दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आपका सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है। फ्रेंड्स, ये एनजीओ की तरह है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, देख सकते हैं जन स्वास्थ्य सहायता अभियान हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक कंपनी है। तो इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर प्राइवेट जॉब ही समझ लीजिए, पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी आपको 10,000-12,000 सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे 12,500 से शुरुआत है और बाद में 16,500 कर दिया जाएगा। जॉब लोकेशन आपको आपके अपने पंचायत में भी मिल सकता है। तो आगे अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आई होप कि इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दी जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।